वेलकम एवरीवन वन हाउ आर यू टुडे वी विल स्टडी चैप्टर इलेवन कॉनिक सेक्शंस एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री इंट्रोडक्शन टू एलिप्स एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री करने से पहले वी नीड टू हैव लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट एलिप्स जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ये हमारी कॉनिक सेक्शंस का चैप्टर है इसमें अगर हमें बेसिक नॉलेज है तो इसमें कैलकुलेशंस तो कुछ भी नहीं है सो वी शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ ईच टाइप ऑफ द कर्व क्योंकि हम इसमें कर्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं uh, इस चैप्टर में तो पहले पहला कर्व जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पैराबोला के बारे में पढ़ा था नाउ द सेकेंड कर्व टू बी डिस्कस्ड इज़ एलिप्स सो लेटेस्ट डिस्कस वॉट इज इलिप्स इलिप्स क्या है मान लो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं P1, P2, P3 और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं और दो फिक्स पॉइंट हैं हमारे पास F1 वन एंड एफ ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं तो अगर हम मान लो पॉइंट P1 को F1 से ज्वाइन करते हैं और P2 को ही F2 से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास अगर इन दो डिस्टेंस का सम करें तो क्या होगा पी एफ वन डिस्टेंस प्लस पी एफ टू ये होगा इसी तरह से अगर हम पॉइंट पी टू पी टू को लेते हैं इसको एफ वन से ज्वाइन करते हैं और एफ टू से भी ज्वाइन करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होंगी ये वाली पी टू एफ पी टू एफ वन प्लस पी ये पी वन था यहाँ पी वन एफ वन पी वन एफ टू पी टू एफ वन प्लस पी टू एफ टू और फिर हम पॉइंट थ्री ये पी थ्री लेते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं एफ वन से और एफ टू से तो यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंसेज हैं एफ वन और एफ टू से इनका सम भी लिख लेते हैं पी थ्री पी थ्री एफ वन प्लस पी थ्री एफ टू हमने ये क्यों लिखा हमने इसलिए लिखा कि इलिप्स क्या है ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन है ऐसे पॉइंट्स का सेट है जिनकी दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम इक्वल होता है कहने का मतलब क्या है कि जैसे P1 है P1 की F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस इसको हम ऐड करेंगे P2 की F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस इसको ऐड करेंगे और P3 की F1 से डिस्टेंस और F2 को F2 से डिस्टेंस इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट ये हमेशा कांस्टेंट होगी इक्वल होगी दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस ये तीनों इसको हम अगर इस वे में लिखें पी वन एफ वन प्लस पी वन एफ टू इज इक्वल टू पी टू एफ टू प्लस पी टू पी टू एफ वन प्लस पी टू एफ टू इज इक्वल टू पी थ्री एफ वन प्लस पी थ्री एफ टू ये डिस्टेंस इक्वल हो अगर कुछ पॉइंट्स की दो फिक्स पॉइंट्स से तो हमें एक पाथ मिलता है उनको जब हम ज्वाइन करते हैं अब कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थ्री नहीं पॉइंट्स हैं यहाँ पर और भी पॉइंट्स हो सकते हैं इधर 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 तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक सेट ऑफ पॉइंट मिल जाएगा और वो सेट ऑफ पॉइंट क्या कहलाएगा इलिप्स उसको हम क्या कहेंगे एलिप्स कहेंगे एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं जैसे पॉइंट पी वन है पी टू है पी थ्री है और ये दो पॉइंट्स हैं F1 और F2 और दिस इज F1 वन एंड दिस इज़ एफ़ टू को F1 से मिलाया P2 P1 को F2 से मिलाया फिर P2 पॉइंट लिया इसको F1 से मिलाया और F2 से मिलाया फिर हमने P3 थ्री पॉइंट लिया इसको F1 से मिलाया और F2 से मिलाया तो इस तरह से जो ये P1, P2, P3 हैं इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ और भी पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनकी डिस्टेंस का सम इन दो फिक्स पॉइंट से इक्वल होगा तो उन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वी विल बी हैविंग द शेप लाइक दिस तो हमें एक ये इस तरह की शेप मिलेगी इसको हम क्या कहेंगे एलिप्स यहाँ परफेक्टली ड्रॉ नहीं हुआ है ये इलिप्स अदरवाइज एलिप्स इज़ एन ओवल शेप तो इस पाथ को द पाथ ऑब्टेन बाय जॉइनिंग ऑल दिज पॉइंट्स विच आर हैविंग द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन फिक्स पॉइंट्स इक्वल टू ईच अदर आर इज नोन एज एलिप्स तो अब बात करते हैं हम ellipse के parts इलिप्स के पार्ट्स की एलिप्स के पार्ट्स क्या हैं जैसे मान लो कि ये जो दो पॉइंट्स फिक्स पॉइंट हैं इनको हम क्या कहेंगे फोकस पॉइंट्स दिज टू आर फोसाई ऑफ द इलिप्स अब जैसे पैराबोला में एक फोकस होता था तो इलिप्स में दो फोकस होंगे तो यहीं से ही हम सब कुछ डिफाइन कर लेंगे तो दीज टू पॉइंट्स आर नोन एज फोसाई ऑफ द एलिप्स और जो फोकस है उसका जो कोऑर्डिनेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो पैराबोला के एक्सिस पर डिपेंड करते हैं कि मेजर एक्सिस कौन सा है अब एक्सिस की पहले बात करते हैं सबसे पहले हम ये फोकस पॉइंट्स हो गए दीज आर द फोसाई ऑफ द एलिप्स अब इन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें तो लाइन ज्वाइनिंग द टू फोसाई उसका मिड पॉइंट जो है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ द इलिप्स ये क्या है सेंटर ऑफ इलिप्स इसको क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स ये क्या है फोकस और ये भी क्या है फोकस तो दो फोसाई हो गए फोकस अब लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर को डिफाइन करना हो तो लाइन ज्वाइनिंग द टू uh, फोसाई इसका मिड पॉइंट जो होगा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू फोसाई इज नोन एज सेंटर ऑफ एलिप्स ये पाँच तो एलिप्स हुआ ये दो फिक्स पॉइंट फोकस हो गए इन दो फोकस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का सेंटर क्या हो गया सेंटर ऑफ द इलिप्स अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ एलिप्स अब एक्सिस ऑफ एलिप्स क्या है कि जब हम ये जो दो फोसाई को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो द पॉइंट एट विच इलिप्स यहां पर इधर इस साइड भी इसको आगे बढ़ा दिया इस साइड भी तो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड इंटरसेक्ट द इलिप्स एट टू पॉइंट इज नोन एज एक्सेस ऑफ इलिप्स ये क्या होगा एक्सेज ऑफ इलिप्स लेकिन यहाँ पर एक्सेस दो होंगे एक्स ऑफ इलिप्स ये एक्सेस ऑफ इलिप्स है अब ये एक्सेस जो है ये एक्स एक्सेस के अलोंग है और एक्सेस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स एक्सिस के अलोंग है एक्सेस जवाय एक्सेस के अलोंग है लेकिन मेजर एक्सेस कौन सा होगा जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी और जो मेजर एक्सेस होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने आ, ए उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ज़ीरो ए या ए जीरो फॉर्म में लेने हैं कैसे सबसे पहले एक्सेस क्या हुआ द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पैराबुला एंड इंटरसेक्ट दैराबुलिप्स लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड इंटरसेक्टिंग दिलिप्स एट टू पॉइंट इज नोन एज एक्सिसराबुलिप्स अब एक्सेज ऑफ एलिप्स की बात कर रहे हैं तो ये भी तो लाइन है जो इसके सेंटर फोकस के सेंटर में से पास हो रही है इलिप्स uh, के सेंटर में से पास हो रही है और इसको दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ पैरा इलिप्स इज हैविंग टू एक्सिस एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है अब मेजर एक्सिस कौन सा होता है जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे और दूसरे को माइनर एक्सिस तो ये क्या हुआ मेजर एक्सिस ऑफ पैराबोला और ये क्या हुआ माइनर एक्सिस ऑफ पैराबोला ये हो गया माइनर एक्सिस ऑफ पैराबोला दो एक्सिस होते हैं हमेशा सॉरी दिस इज नॉट पैराबोला दिस इज इलिप्स दिस इज द मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स एंड जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी और जिसकी लेंथ कम होगी उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सेस ऑफ इलिप्स ये इलिप्स है हम इलिप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो अब यहाँ पर आ, बात हो गई फोकस पॉइंट्स की और आ, साथ में एक्सेस ऑफ पैराबोला की दो एक्सेस होते हैं एक अलोंग एक्स एक्सेस होता है एक अलोंग वाई एक्सेज होता है लेकिन जो भी जिस भी एक्सेस के अलोंग लेंथ ऑफ एक्सेस ज़्यादा होती है उसको हम मेजर एक्सेस बोलते हैं अब बात आती है इसकी कोऑर्डिनेट्स की एक्सेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्सेस के कोऑर्डिनेट जो मेजर एक्सेस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा हम ए मिलेंगे और जो माइनर एक्सेस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम हमेशा बी मिलेंगे चाहे वो वाई एक्सेस के लोंगे चाहे वो एक्स एक्सेस के होंगे तो यहाँ पर इसके एक्सेस होंगे इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए ज़ीरो और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे माइनस ए ज़ीरो क्योंकि ये नेगेटिव साइड आ गया अब बात आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस जैसे यहाँ पर ए ज़ीरो और माइनस ए जीरो है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे क्योंकि ये भी एक्सेस है माइनर एक्सेस है तो माइनर एक्सेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे दिस इज ज़ीरो बी एंड दिस इज जीरो माइनस बी क्योंकि यहाँ पर हमारी लेंथ जो है वो फाइव एक्सिस के अलांग जा रही है एक्सिस एक्सिस के लेंथ जीरो है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जीरो बी और जीरो माइनस बी ले लिया हमने ये याद रखना है कि ए जीरो या जीरो ए कोऑर्डिनेट्स हमने हमेशा मेजर एक्सिस के लेने दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ए में जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमेशा हम मेजर एक्सिस के लेंगे और बी बी में कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हम हमेशा माइनर एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो अब आती है लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा किस में होगी मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी टू ए टू ए कैसे होगी अब ये जो ये मेजर एक्सिस है तो इसका हाफ जो होगा वो होगा यहाँ से लेकर यहां तक वो क्या होगा सेमी मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस ये सेमी मेजर एक्सिस इधर भी है और सेमी मेजर एक्सिस इधर भी है सेमी मेजर एक्सिस ये सेमी मेजर एक्सिस हो गया अगर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ की बात करें तो वो ए है इधर भी ए है और इधर भी ए है नेगेटिव हम सिर्फ कोऑर्डिनेट के लिए, लिए लिख रहे हैं अदरवाइज लेंथ कैन नेवर भी नेगेटिव तो इधर भी ए लेंथ होगी इसकी ये ए लेंथ का है और इधर भी ए लेंथ का है मेजर एक्सिस तो लेंथ ऑफ टोटल टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी टू ए टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस टू ए और अगर हम माइनर एक्सिस की लेंथ की बात करें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो वो क्या होगी अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बी डिस्टेंस है माइनस कोऑर्डिनेट के लिए लगाया हमने अगर लेंथ देखें तो दोनों तरफ इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी सेमी सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ दिस इज द सेमी माइनर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस मतलब कि जो माइनर एक्सिस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं दोनों सेमी माइनर एक्सिस कहलाते हैं सेमी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी माइनर एक्सिस जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस था यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस था यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी माइनर एक्सिस ये भी सेमी माइनर एक्सिस तो यहाँ पर बी लेंथ है इसकी और इधर भी बी लेंथ है तो टोटल जो लेंथ होगी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस उसकी लेंथ क्या हो जाएगी टू बी तो जब भी हम मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो उसमें हम ए यूज़ करेंगे जब भी माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो उसमें हम बी यूज़ करेंगे दिस इज़ ऑल अबाउट द अच्छा उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस भी हम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं को तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होती है सी फोकस तक डिस्टेंस ज़ीरो से एफ टू तक डिस्टेंस सी है और ज़ीरो से एफ़ वन तक भी डिस्टेंस क्या है सी तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे यहाँ सी ज़ीरो और इस साइड क्या होंगी यहाँ पर यहाँ पर भी यहाँ माइनस सी हो जाएगा माइनस सी और ज़ीरो ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो गए सी ज़ीरो और ज़ीरो माइनस सी ज़ीरो और अगर हम इस लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर हम देखें एफ़ वन से एफ टू तक तो दिस इज़ टू सी यहाँ से लेकर यहाँ तक टू सी और हाफ़ इसका सी और इधर भी सी हमें इसके कोऑर्डिनेट देखने हैं तो सी ज़ीरो होंगे और ज़ीरो सी होंगे ये है माइनर मेजर एक्सिस के अलोंग राइट right? उसके बाद और अगर अगर हमारा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग हो, होगा तो फिर फोकस के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट uh, क्या हो जाएंगे ज़ीरो सी एंड माइनस ज़ीरो माइनस सी तो ये हमारा हो गया axis, बाकी सारा हमने डिस्कस कर लिया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस अलोंग मेजर एक्सेस क्या रहेंगे जब अब ये मेजर एक्सेस जब एक्स एक्सेस के अलोंग होगा तो क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सी जीरो एंड सी माइनस सी जीरो और अगर वाई एक्सिस के अलोंग होगा मेजर एक्सिस तो फिर यह होंगे यहां पर मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस तब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे जीरो सी एंड जीरो माइनस सी राइट तो अब हमें ये पता चल गया कि ए इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए की बात करें तो टू ए इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बी इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस टू बी इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड बी इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस टू बी इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस सी जीरो माइनस सी जीरो और जो हमारी जो हमारी जीरो से लेकर सी तक है उसको हम डिस्टेंस बिटवीन फोकस ये बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोकस तो अगर डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई लिखें डिस्टेंस बिटवीन फोसाई दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस अगर हम लिखें तो वो क्या होगी दैट इज टू सी देखो जैसे यहां से लेके यहां तक सी तक सी थी यहां से लेके यहां तक सी थी तो सी प्लस सी कितना हो गया टू फिर डिस्टेंस बिटवीन अगर हम फोकस की बात करें डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन जो हमारा सेंटर uh, है बिटवीन सेंटर एंड फोकस एक फोकस के बीच की डिस्टेंस वो क्या होगी सी राइट right? ये तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द फोकस सी है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई टू सी है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो टू ए है और लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस जो है वो ए है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो टू बी है और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस जो है वो बी है तो अब हम एक रिलेशन की बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन सेमी सैमी मेजर एक्सेस सेमी मेजर एक्सेस बिथ बिटवीन द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस सेमी मेजर एक्सेस की लेंथ क्या होती है ए फिर सेमी माइनर एक्सेस सेमी माइनर एक्सेस वो क्या होती है बी एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द फोकस फ्रॉम द फोकस अगर फोकस है तो सी सिंगल आएगा सोसाई होता तो फिर वो डबल आता तो यहाँ पर सेंटर फ्रॉम द फोकस दैट इज सी कहने का मतलब ये कि हम एक रिलेशन का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो किस किस के बीच में ए बी और सी में ए क्या है सेमी मेजर एक्सेस बी सेमी माइनर एक्सेस और जो सी है दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द फोकस तो इन बी इनके बीच में क्या रिलेशन है ये जो हम रिलेशन करने जा रहे हैं दिस विल बी हेल्पफुल इन द इन फाइंडिंग द एनी एनी टर्म आउट ऑफ दिस थ्री इन द क्वेश्चन तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी प्लस सी दिस इज द रिलेशनशिप अगर से या ये रिलेशनशिप हमें पता है ये रिलेशनशिप ना डिफरेंट कर्व्स में डिफरेंट हो सकती है तो इसलिए हमें एक पर्टिकुलर फार्मूला uh, याद रख लेना है तो उससे हम अगर सी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं बी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं यहाँ से अगर हम सी निकालना चाहें तो सी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा दैट विल बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आप ये फार्मूला याद रख लो या ये तो सी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दिस इज़ इन केस ऑफ इलिप्स ये हमें एक फार्मूला मिल गया कि सी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अंडर रूट उसके बाद अगर इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि अगर मान लो यहाँ पर सी ज़ीरो हो जाए वन सी इज़ ज़ीरो सी ज़ीरो का मतलब क्या है कि जो फुसाई हैं वो आपस में मर्च हो जाएं और वो सेंटर ऑफ एलिप्स पर आ जाए कहने का मतलब क्या है कि ये फोकस है ये फोकस है ये दोनों एक एक ही पॉइंट पर आ जाए सेंटर पर तो इनकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो जब सी ज़ीरो हो जाएगी तो इस रिलेशनशिप में हम जीरो पुट करेंगे सी को तो ये किसके इक्वल हो जाएगा दिस विल बी अंडर रूट ए स्क्यर माइनस बी स्क्वेयर या फिर रूट को हटाएंगे तो वो भी इधर रूट आए रूट को हटाए होल स्क्यर करेंगे इधर होल स्क्यर करेंगे तो जीरो ही रहेगा इधर होल स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र इक्वल टू जीरो ए स्क्वेयर किसके इक्वल होगा बी स्क्वेयर के और यू कैन से ए इज इक्वल टू बी तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कब जब c ज़ीरो के इक्वल होगा उसके बाद फिर अगर c a के इक्वल होता है इसी रिलेशनशिप में वन c इज इक्वल टू a अगर c और a इक्वल हैं तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है इसमें c को a के इक्वल अगर रखते हैं तो हमारी इक्वेशन ये क्या बन जाएगी a इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो इसको दोनों तरफ स्क्र करेंगे तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा ए स्क्वेयर इधर भी है इधर भी है ये कैंसिल हो जाएगा तो ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर और यू कैन से बी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस जो है वो क्या हो जाएगी तब ज़ीरो हो जाएगी कब जब हमारे पास सी जो है ए के इक्वल होगा तो ये कुछ चीजें हमें याद रखनी है उसके बाद एक और टर्म है दैट इज इसेंट्रिसिटी अब इसेंट्रिसिटी क्या है वट इज इसेंट्रिसिटी इसेंट्री सिटी अब इसेंट्रिसिटी जो है ये क्या है रेशो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू द टू वन ऑफ द फोसाई एंड वन ऑफ द वर्टिस ऑफ द एलिप्स मतलब कहने का है कि दिस इज द रेशियो ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर अगर हम इसेंट्रिसिटी को डिनोट करें तो इसको ई बोलते हैं इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं और ई किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए इसका मतलब क्या हुआ इसेंट्रिसिटी क्या है दिस इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर एंड सैमी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस तो ये फार्मूला हमें याद रखना है ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए और यहाँ से अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की वैल्यू क्या होगी ए इंटू ई सी इज इक्वल टू ए इंटू ई हमें ये फार्मूला याद रखना है ए ऑफ द इलिप्स इज सी अपॉन ए सी इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर एंड ए इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस नाउ लेटे डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होंगी हमने अभी डिस्कस किया था कि मेजर एक्सेस जिस भी एक्सेस के अलोंग होगा उसको हम उसके कोऑर्डिनेट्स को ए में लेंगे ए और ज़ीरो में लेंगे और जो माइनर एक्सेस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को बी ज़ीरो में लेंगे तो यहाँ पर इस एलिप्स का जो एक्सेज है मेजर एक्सेज जिसकी लेंथ बड़ी होती है दो एक्सेस होते हैं एक की लेंथ ज़्यादा होती है एक की कम तो जिसकी लेंथ ज्यादा है दैट इज मेजर एक्सेज तो मेजर एक्सेज ये हुआ इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ए में लेने हैं और दूसरे के बी में लेने हैं तो इसके कॉर्डिनेट्स इसकी जो एक्सेज ऑफ पैराबोला है दैट इज ए बी एक्सेज ऑफ इलिप्स जो है एक्सेज ऑफ इलिप्स जो है वो ए बी है और इलिप्स के एक्सेस में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ए ज़ीरो क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ए है और वाई uh, एक्सिस के लोंग जीरो है और इस साइड ये माइनस ए ज़ीरो है तो ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया और माइनर एक्सिस क्या हुआ uh, ये हो गया हमारा सी डी सी डी इज़ द माइनर एक्सिस एंड ए बी इज द मेजर एक्सिस तो माइनर एक्सिस के कॉर्डिनेट्स हमने बी में लेने हैं तो ज़ीरो बी हो जाएगा और ये ज़ीरो माइनस बी हो जाएगा दिस इज़ फोकस पॉइंट एफ वन एंड दिस इज़ फोकस पॉइंट एफ टू तो ये एफ वन और एफ टू के बीच की डिस्टेंस अगर देखें तो वो टू सी होगी कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और अगर हम एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखें तो वो सी होगी ये तो हो गई हमारी कि जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है बड़ा एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो तब उस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी दैट विल बी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू वन ये कब है वैन मेजर एक्सिस अलोंग एक्सिस अब अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है मान लो हमारा एलिप्स इस तरह से है कि इसका जो बड़े वाला एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है और जो छोटे वाला एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो हमने अभी डिस्कस किया था कि ए कोऑर्डिनेट जो है वो हमने मेजर एक्सिस का लेना है और बी कोऑर्डिनेट हमने माइनर एक्सिस का लेना है तो अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बी जीरो और माइनस बी ज़ीरो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बी ज़ीरो एंड माइनस बी ज़ीरो अब ये मेजर एक्सेस है तो मेजर एक्सेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ज़ीरो ए एंड ज़ीरो माइनस ए और जो फोकस पॉइंट्स हैं वो भी फोकस पॉइंट हमेशा मेजर एक्सिस पर होंगे तो पहला फोकस पॉइंट जो है एफ वन उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे यहाँ ज़ीरो सी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर है तो हमें वाई कोऑर्डिनेट लेना है सी में जब एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे फोकस थे एक्सिस जो मेजर एक्सिस था एक्स एक्सिस तो हमने सी जीरो लिया था ये चीज़ें याद रखनी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो माइनस सी हमने क्या देखा कि क्या चेंजेस की जब हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस चेंज हुआ यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग माइनर एक्सिस है वाई एक्सिस के लॉन्ग मेजर एक्सिस है तो मेजर एक्सिस में हमने कोऑर्डिनेट ए में लेने हैं चाहे वो वाई कोऑर्डिनेट हो चाहे एक्स हो जो भी हो और माइनर जो एक्सिस है उसमें हमने बी कोऑर्डिनेट लेने हैं बस हमें इतना ही याद रखना है और जो फोकस पॉइंट होंगे वो हमेशा मेजर एक्सिस पर होंगी माइनर एक्सिस पर कभी नहीं होंगी तो ये हमारा जो ये ज़ीरो बी जो है ये हमने इस माइनर एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स uh, लिखे हैं यहाँ पर जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है uh, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर बी हो जाएगी और इधर भी बी हो जाएगी तो ये टू बी हो जाएगी और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी दैट विल बी टू ए हमेशा हमने यही याद रखना है तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ए में कोऑर्डिनेट्स हमने मेजर एक्सिस के लोग लिए थे यहाँ पर भी एक ये नहीं करना कि अगर ये बाई एक्सिस के लोग है तो हमने बी लेना है तो हमें बस यही याद रखना है तो जब हमारा मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस के लॉन्ग था तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या रही एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू वन और जब हमारा मेजर एक्सेस वाई एक्सेस के लॉन्ग होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्र अपॉन बी आ जाएगा बी का मतलब कि मेजर एक्सेस नहीं है ये माइनर एक्सेस है एक्स स्क्वेयेर अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए स्क्वेयर इसका मतलब क्या है यहाँ इक्वेशन को देखने से ही हमें पता चल रहा है कि हमारा जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस कह लोग हैं क्यों क्योंकि ए जो है वो वाई के नीचे है इक्वल टू वन सो दीज आर टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विच आर विच विल विच वी विल बी यूजिंग वाइल सॉल्विंग द सम्स रिलेटेड टू एलिप्स उसके बाद एक चीज और रह गई है दैट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रैक्म लेंथ ऑफ लेटेस्ट रैक्म में हमने क्या बताना है कि सबसे पहले मैंने पैराबोला में भी डिस्कस किया था कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है अब जैसे मान लो ये हमारा एलिप्स है तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा दिस इज द लेंथ ऑफ जो लेटेस्ट रेक्टम होता है दोनों साइड हो, होगा दिस इज ए लाइन सेगमेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड इंटरसेक्टिंग द एलिप्स एट टू गिवन पॉइंट्स मान लो कि ये लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द एलिप्स और एलिप्स को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इस लाइन की लेंथ को हम क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स लेटस रेक्टम इसी तरह से ये लाइन ये लाइन जो इस साइड है तो ये इधर भी होगी इधर भी एक लाइन ऐसी होगी जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं और इधर वाली लाइन को हम अगर सी डी लिखें और ये लाइन जो है ये इलिप्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है और मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसको लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स दैट इज टू बी स्क्वेयर लेंथ ऑफ अगर हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स को एल से लिखते हैं तो एल इज इक्वल टू टू बी स्क्वेयर अपॉन ए और बी और ए हमें पता है ए बी इज द लेंथ ऑफ सैमी माइनर एक्सेस एंड एंड ए इज़ द लेंथ ऑफ सैमी मेजर एक्सेस लेकिन यहाँ पर हमने बी का स्क्वेयर करना है बट ए का स्क्वेयर नहीं करना सो एल इज इक्वल टू टू बी स्क्वेयर अपॉन ए अगर हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम निकालनी है तो हमें ये फार्मूला याद रखना है और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डिस्कस कर ही ली है सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू द सम्स इन ए वेरी परफेक्ट मैनर तो आप सबको पहले इस जो चैप्टर में कर्व्स हैं हर कर्व्स की जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको आपको याद रखना है कि वो टर्म है क्या अगर आपको टर्म्स याद आ जाती हैं तो देर इज़ नो डिफिकल्टी टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन थैंक यू